Okay, so hello everyone and welcome to Unacademy Studio Bridge. Match hum log padhne wale civil engineering mein gate mein aane wala bahut hi important subject soil mechanics. Soil mechanics ke liye hamara jo session chal raha hai that is on properties of soil. To is properties of soil mein hum log kya karne wale hain, hum log ye nikalenge कि अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के फॉर्मूले वगैरह देख लिए. विल जस्ट डू अ क्विक रीकैप और उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स थ्री एग्जांपल्स. टुडे आई हैव थ्री एग्जांपल्स जो कि हमें सॉल्व करने हैं. और आपको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट यू ऑल नीड इज यू नीड अ पेन, अ कॉपी एंड अ कैलकुलेटर. आपको बिना कैलसी के यू डोंट नीड टू स्टडी, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है. So you need a pen, a copy and a calci. A calculator is a must if you are a civil engineer and you are preparing for GATE. Iske liye bahut zaruri hai. So let me tell you something ki hum log pad rahe hain. This is myself Ruchin Tejawat aur hum log pad rahe hain geotech. Also this is something about me. I have post graduated from IIT Kanpur. My name is Ruchin Tejawat and I'll be the instructor for your course. I have secured an All India rank of 165 in GATE examination and I have mentored more than 10,000 of students for GATE and ESC, and I have a teaching experience of more than 5 years in this field. And hum log jo subjects pad rahe hain they are from 6:30 to 7 I am taking TOS, and from 8:30 to 9 I am taking geotech, or 10 to 10:30 we are studying RCC. So they are basically three different sections, थ्री मेजर सब्जेक्ट्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग गेट में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं. और जियोटेक के लिए बेसिकली दिस विल बी फॉर जियोटेक दिस विल बी बेसिकली अ क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स है. अब क्रैश कोर्स में इट विल मूव अ बिट फास्टर, थोड़ा सा फास्ट रहेगा बिकॉज देर इज अ कंस्ट्रेंट ओवर द टाइम. एंड आई हैव ऑल्सो मेड वीडियोज ऑन हाउ यू कैन क्रैक गेट with all India rank less than 100 with 75 plus marks. अब किस तरीके से score कर सकते हैं that I have told, वो मैंने उस video में बताया. Also I have made a separate video on जैसे आप जानना चाहते हैं what is my life after BTech, what should be my life after BTech. इसके बाद that's a very big question जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि बीटेक हो गया अब क्या करें, तो उस पर आई हैव मेड अ वीडियो. प्लीज प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस लाइक गेट एंड ईएससी, दे आर रियली हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज प्लीज बिलीव मी, दे विल हेल्प यू. एंड दीज आर सम मोर एडुकेटर्स लाइक मी विच आर ऑल्सो टीचिंग ऑन अनअकैडमी. एंड नाउ इफ यू वॉन्ट टू एनरोल टू अनअकैडमी आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर ऐप जो कि आपके फोन में प्ले स्टोर ऐप है, आपको वहां पे जाना है. और वहां पे जाके यू नीड टू गो टू द सर्च आइकन. सर्च आइकन पे जाके आपको लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखते ही आपके यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा. एंड एज सून एज यू इंस्टॉल द ऐप यू विल हैव टू चूज योर गोल. आपको आपका गोल सेलेक्ट करना है. सपोज यू सेलेक्ट एनी दीज गोल्स, इनमें से किसी गोल्स को आपने सेलेक्ट किया. और जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सेलेक्टेड दिस गोल यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल गोल्स. जैसे आपने गेट को सेलेक्ट किया, गेट को सेलेक्ट करते ही आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव गेट सब्सक्रिप्शन ऑन द नेक्स्ट पेज. एंड देन यू कैन सेलेक्ट 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month. विच एवर सब्सक्रिप्शन सूट्स यू आप वैसा सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर सेलेक्टिंग दैट सब्सक्रिप्शन यू नीड टू गो टू द कन्फर्म डिटेल्स पेज एंड यू कैन यूज माई प्रोमो कोड रुचिन लाइव टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट. आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. एंड एज यू गेट डिस्काउंट ऑफ 10% यहाँ पे आपके पास दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे. और जैसे आप पे करोगे यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड ऑल लिस्ट ऑफ एडुकेटर्स एंड ऑल, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ई एस सी, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट यू गो फॉर 12 or 24 month प्लान. Because it's like settling for small is not so worthy and so I mean productive for some people. So agar aap iske liye chahte hain you go for the 12 month or 24 month, so that will really pay you. So agar aap 12 month ke liye jaoge
तो द फी दैट यू हैव टू पे इज 25,000 एंड इफ यू यूज माय प्रोमो कोड रुचिन लाइव तो यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% दैट मीन्स योर फी ऑफ 25,000 विल बिकम 22,500 आफ्टर द डिस्काउंट एंड इफ यू गो फॉर द 24-month प्लान तो यहाँ पे द फी दैट यू हैव टू पे इज 40,000 और इस 40,000 में से जैसे आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे रुचिन लाइव तो यू विल अगेन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा तो -4,000 द फी दैट यू हैव टू पे इज ओनली 36,000 आपको सिर्फ कितना फी पे करना है 36,000 दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months ट्रस्ट मी गाइज 24 months के लिए इतने से नॉमिनल चार्ज पे आपको कहीं पर भी कोई सा भी कोचिंग नहीं मिलेगा सो एंड कोचिंग भी कहाँ से दीज आर फ्रॉम द फाइनेस्ट एडुकेटर्स इन इंडिया जो कि आपको लाइव पढ़ाते हैं दे गिव यू रिकॉर्डेड सेशंस सारी की सारी आपको फैसिलिटी मिलती है सो प्लीज सब्सक्राइब टू अनअकैडमी एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट देर आर सम मोर एडुकेटर्स फॉर गेट एंड अनअकैडमी प्लस विल ऑल्सो गिव यू सम फ्री लेक्चर्स This will give you some free lectures or you can also call them as demo lectures just for a visit ताकि आप ये देख सको कि आपको आपको कौन सा subscription चाहिए which kind of plans you want तो you can opt for them and this will be the most easiest way to learn gate online because it has flexible schedules there is flexibility in the schedule plus you can opt for language of your choice You can offer English, Hindi, Malayalam, Tamil, any kind of choice you can have. Plus, there will be unlimited practice sessions. Unlimited practice session ka matlab kya hai? Aapke paas kya kya honge? You will have live session. Then you will get recorded session. Recorded session ke baad you will have doubt class. Doubt class ke baad there will be test series. Aur test series ke baad mein aapke paas aayega test analysis. All this, everything at a very affordable price, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल सकता है और ये सभी का सभी आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ Unacademy पे This is India's largest education platform, online education platform. और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा that you are not studying in the class, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है While sitting at home, you will feel perfectly like you are in the class itself. अब इसमें you can chat with the educator, you will see educator here. आप एडुकेटर को लाइव देख सकते हैं यू कैन चैट विद द एडुकेटर ऑल्सो देर विल बी एन ऑप्शन ऑफ इंटरक्टिव पोल्स प्लस ये तो है ही हमारे पास दैट यू कैन लर्न एनी टाइम एनी वेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन लर्न और इसमें यू कैन क्लियर योर डाउट्स देन एंड देयर इटसेल्फ आप क्लास में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं वाइल आस्किंग बाय चैटिंग ओके सो विद ऑल दिस आई कंक्लूड आई वॉन्ट टू कंक्लूड एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन दैट Please subscribe to Unacademy. This is the biggest platform for you if you want to take your preparation to a next level. So with this, हम लोग start करते हैं हमारा topic. आज का हमारा जो topic है, today's topic is soil mechanics में we need to solve some questions. हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व अब इसमें आई जस्ट रिकैप यू द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स व्हाट आर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स द फर्स्ट वन इज ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी ई इज वॉइड रेशियो एस इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन डब्ल्यू वॉज योर वाटर कंटेंट एंड जी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी Also, we have gamma bulk equal to gamma W G plus ES divided by 1 plus E. Okay, ये हमारे पास आ गया है gamma bulk at S equal to 1. Gamma bulk क्या बन जाएगा? Gamma saturated and at S equal to 0. Gamma bulk क्या बन जाएगा? Gamma dry. Okay, ये सारा हमने देखा था. इसके बाद में थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज एन इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई ओके पोरोसिटी किसके बराबर है वॉइड रेशियो अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो एन इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई ये हमारा प्रोग्राम चल गया
जिसमें हमने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को जस्ट रिकैप कर लिया बहुत इजीली. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू? वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर. जब तक कि आपको बोला ना जाए यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू इज 9.81 ओनली, इतना ही लेना है, इससे ना कम ना ज्यादा ना 10 करना है, इसको अप्रोक्सीमेट कुछ भी नहीं करना. जब तक कुछ नहीं बोलता है तब तक आपको यही वैल्यू लेनी है. ओके तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें वी आर कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा ये क्वेश्चन है, द सॉइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड 0.7 रिस्पेक्टिवली, एंड इफ 1.5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल सैंपल ए एंड 1.7 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल सैंपल बी आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ सैंपल सी हैविंग टोटल वॉल्यूम ऑफ 3.2 मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ सैंपल सी? तो ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ सैंपल सी. पोरोसिटी ऑफ सैंपल सी निकालना है. सो फर्स्ट विल फॉलो द सेम ड्रिल, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. अगर आपसे नहीं होता है तो देन डू वॉच दिस वीडियो, आगे कंटिन्यू करना है. अदरवाइज प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन विद योर आंसर्स रेडी. नाउ आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, तो हमें दे रखा है दैट आई एम गिवन विद सॉइल ए. सॉइल ए के लिए व्हाट इज द वॉइड रेशियो? 0.5. एंड व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? 1.5 मीटर क्यूब. ओके, और सॉइल बी के लिए, और सॉइल बी के लिए हमें क्या दे रखा है? सॉइल बी के लिए दे रखा है वी आर गिवन विद वॉइड रेशियो एज 0.7 एंड टोटल वॉल्यूम इज 1.7 मीटर क्यूब. अब अगर इन दोनों को मर्ज कर देंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम 3.2 मीटर क्यूब हो रहा है, बट हमारा सेम क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. ये हमारा क्रक्स है, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा. अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, फॉर ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू वी वी प्लस वी एस. ओके, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू वी वी प्लस वी एस. और इसके बाद में ओके, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय वी एस. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा v अपॉन वी एस, दिस इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस प्लस वन. यहां पे मैं लिख दूंगा v अपॉन वी एस इक्वल टू, व्हाट इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस? दैट इज जस्ट वॉइड रेशियो. इसका आगे कंटिन्यू करते हैं. टोटल वॉल्यूम 1.5 दे रखा है, डिवाइडेड बाय वी एस इक्वल टू 1.5, दैट इज ई प्लस वन, 0.5 प्लस वन. तो यहां से मेरे पास वी एस आ जाएगा 1 मीटर क्यूब. सेम ड्रिल आई हैव टू यूज फॉर दिस ऑल्सो, इसके लिए भी मुझे यूज करना है. तो यहां पे दिस इज टोटल वॉल्यूम वी वी प्लस वी एस, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय वी एस, तो दिस विल गिव वी अपॉन वी एस इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस प्लस वन. वी अपॉन वी एस इज वी वी अपॉन वी एस किसके बराबर हो जाएगा? वॉइड रेशियो प्लस वन. टोटल वॉल्यूम इज 1.7, दिस डिवाइडेड बाय वी एस, दिस इज इक्वल टू 1.7. तो वी एस वापस कितना आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब. यानी कि सॉइल ए के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है? 1 मीटर क्यूब है. और एज इट इज सॉइल बी के लिए व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. वो भी हमारा किसके बराबर आ रहा है? 1 मीटर क्यूब के बराबर. तो आप इस चीज को लिख लो, यू जस्ट राइट दिस डाउन. एंड अगर आपको कुछ मिस हो रहा है, इफ यू थिंक आई एम फास्ट प्लीज टेल मी. बेसिकली आई गेस आई एम नॉट फास्ट, बट स्टिल इफ यू फील, बिकॉज समटाइम्स इट लुक्स लाइक आई एम अ बिट फास्टर, बिकॉज लाइक इट्स लाइक इन द रेगुलर क्लास आई एम अ बिट फास्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर, आई वॉन्ट टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो यहाँ से अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ ए आ गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ बी आ गया है. अब जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ ए आया है 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ बी भी आया है मेरे पास कुछ 1 मीटर क्यूब. अगर इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन सी विल बी इक्वल टू
2 meter cube, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 3.2 meter cube, ये हमें दे रखा है. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सी, दैट विल बी इक्वल टू 3.2 माइनस 2. ओके, 3.2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1.2 meter cube. ये हमारे पास VV का वैल्यू आ जाएगा 1.2 meter cube. अब जैसे ही VV का वैल्यू आया 1.2 meter cube, व्हाट आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट इज पोरोसिटी. पोरोसिटी किसके बराबर होता है, VV अपॉन V, दैट इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज टोटल वॉल्यूम 3.2 into 100. तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, दैट इज इक्वल टू इन परसेंटेज दिस इज 37.5%. इस तरीके से चलते चलते हमारे पास पोरोसिटी निकल के आया. देखो दिस इज मैकेनिक्स, ये जो क्वेश्चन है ये मैकेनिक्स का सॉलिड क्वेश्चन है. तो आपके पास हो सकता है यू माइट सॉल्विंग इट यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, दैट इज क्वाइट पॉसिबल. मतलब ये मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देर कैन बी 10-15 सॉल्यूशंस, 10-15 तरीके हो सकते हैं, जिसमें से आई हैव शोन यू जस्ट वन मेथड. अगर आपके पास कोई और मेथड है उससे भी यही आंसर आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट मेथड विल ऑल्सो वर्क. सो इसी के साथ में हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी आर हियर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ओके, अ सैम्पलर विद अ वॉल्यूम ऑफ 45 cm³ इज फिल्ड विद अ सॉइल सैंपल. When the soil is poured into a graduated cylinder, it displaces 25 centimeter cube of water. What is the porosity and void ratio of the soil? हम लोगों को इसमें क्या निकालना है? We have to calculate a sampler with a volume of 45 centimeter cube. कोई एक sampler है जिसका total volume कितना है? 45 centimeter cube is filled with a soil sample. When the soil is poured into a graduated cylinder, then it displaces 25 centimeter cube of water. It will displace 25 centimeter cube of water. ये इतना कुछ पानी displace कर देता है. अब 25 centimeter cube of water को अगर ये displace कर रहा है, तो you have to understand one thing. If total volume is given as 45 centimeter cube, तो उसमें से क्या होगा, कुछ solids होंगे, कुछ air होगा और कुछ water रहा होगा. अब obviously क्या है, water air water को displace नहीं कर सकता, water cannot displace water. तो सिर्फ और VA के लिए it has not told anything, इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो हम इसको neglect कर देंगे. सिर्फ क्या बचा हमारे पास, volume of solid. यहां से ऊपर से कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहा होगा, वो जितना नीचे गिरा है उतना का उतना पानी को साइड में डिस्प्लेस किया. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर क्यूब. यानी इन अ सेंस व्हाट आई एम गिवन इज, आई एम गिवन विथ टोटल वॉल्यूम मुझे दे रखा था 45 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से VS मुझे दे रखा है 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे दे रखा है. अब जैसे लाइक अगर कुछ भी पूछते हैं पोरोसिटी, तो पोरोसिटी किसके बराबर है, VV अपॉन V. तो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस यू कैन कैलकुलेट VV, दिस इज इक्वल टू V माइनस VS, 45 माइनस 25, दिस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहां से व्हाट इज पोरोसिटी, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 45. तो पोरोसिटी मेरे पास आ जाएगा, That is 0.444. ये पोरोसिटी अगर आप परसेंटेज में चाहें तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट इन परसेंटेज. एंड ऑल्सो नेक्स्ट वी हैव वॉइड रेशियो, दिस इज इक्वल टू VV अपॉन VS, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ये हमारा होता है वॉइड रेशियो. दिस इज इक्वल टू VV अपॉन VS. वॉट इज VV, 20. वॉट इज VS, 25. तो ये वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, This value is approximately 0.8. तो ऐसे चलते चलते हम लोगों ने दो questions और किए हैं, जो कि हमारा void ratio पे और porosity निकालने के लिए आता है. You can also calculate this using this formula, n equal to e upon 1 plus e.
इससे भी निकाल सकते हैं, बोथ ऑफ विच विल गिव द सेम रिजल्ट। अगर इसका वैल्यू मैं 0.444 रख रहा हूँ तो यहाँ से भी अगर पोरोसिटी निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी इन दो वैल्यूज के बराबर पे ही आएगा। क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करें मोर और लेस आंसर वही आने वाले। ओके, ये हमारी सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ क्ले आर दिस। इफ द वॉइड्स आर 92% सैचुरेटेड, फाइंड द बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। तो कोई एक क्ले सैंपल है, उसके लिए हम लोगों को दे रखा है, वी आर गिवन विथ void ratio is 0.73, specific gravity is 2.7, और ये बोल रहा है that if the voids are 92% saturated, यानी S का value कितना है, 0.92 है, यानी वो 92% saturated है, तो हमें निकालना है bulk density, dry density and water content। तो सबसे पहले तो water content आ जाएगा, वाटर कंटेंट किसके बराबर है, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी यूजिंग दिस रिलेशन, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाय ई एस अपॉन जी। ई का वैल्यू कितना है, 0.73 इंटू वॉट इज सेचुरेशन, 0.92 डिवाइडेड बाय 2.7, तो यहां से मेरे पास वाटर कंटेंट आएगा, दिस इज इक्वल टू 0.248 और This is equal to 24.8%। ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा वाटर कंटेंट। यहां से चलते चलते हम लोगों ने वाटर कंटेंट निकाला है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, हम लोगों को निकालना है व्हाट इज द बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है, वी आर गिवन विथ दिस इज 0.73, जी इज 2.7 एंड एस इक्वल टू 0.92, हमें निकालना है बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी किसके बराबर होगा, रो डब्ल्यू जी प्लस ई एस अपॉन 1+E इसके बराबर है। व्हाट इज रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू हमारा 1000 होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वो बल्क डेंसिटी पूछ रहा है, इट इज नॉट आस्किंग फॉर यू बल्क यूनिट वेट, ये नहीं बोल रहा है। 1000 इंटू व्हाट इज जी, 2.7 प्लस वॉइड रेशियो इज 0.73 इंटू सेचुरेशन इज 0.92 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.73, तो यहां से रो बल्क विल बी 73 डिवाइडेड बाय 1.73 1948.9 kg per meter cube। ओके, ये हमारा आ रहा है बल्क डेंसिटी 1948.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यू कैन से दैट कि हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1949 kg per meter cube। ओके, अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन में, व्हाट वाज आवर नेक्स्ट पार्ट वाज टू कैलकुलेट द ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रो ड्राई किसके बराबर होता है, ड्राई में क्या होता है एस का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो दिस विल गिव रो डब्ल्यू जी अपॉन 1+E। तो दिस पार्ट विल बी वेरी इजी, रो ड्राई किसके बराबर है, 1000 इंटू 2.7 अपॉन 1+0.73। तो यहां से ये वैल्यू निकल के आएगी, रो ड्राई कुछ आएगा 1560.6 kg per meter cube। इस तरीके से हमने तीन एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को इलस्ट्रेट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से बेसिकली देर विल बी अ क्वेश्चन एवरी ईयर, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से, तो वो सॉल्व करने के लिए आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना थोड़ा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको इन सबको। और इसी के साथ हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में हमारे पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर देखा है, वी हैव सीन व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा है,
अलग अलग प्रॉपर्टीज देखा है, वी हैव सीन द रिलेशन, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए. नेक्स्ट हमारा जो आएगा दैट इज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. अब जिसके अंदर मैं आपको डिफाइन करूंगा व्हाट आर एक्चुअली में इंडेक्स प्रॉपर्टीज, एक्चुअली में होती क्या है और इनको कहाँ यूज करते हैं, ये सब देखेंगे. और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक देर आर 7 to 9 प्रॉपर्टीज विच वी कॉल एज इंडेक्स प्रॉपर्टी. अब ये इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, ये हम स्टार्ट करेंगे. और इसी के साथ में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगा इसमें, विच इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी हैव कंसिस्टेंसी लिमिट्स, ये आएगा. तो जल्दी ही हम लोग इस चीज को स्टार्ट करेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसिस्टेंसी लिमिट. इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमें स्टार्ट करना है. फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें बाकी है जो कि हम मतलब बाय द एंड हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि उसके लिए बाकी चीजें पढ़ा होना थोड़ा जरूरी है. सो विद दिस आई गेस आई हैव कंप्लीटेड माई टॉपिक हियर एंड आई विल बी एंडिंग माई सेशन. तो for more information and if you want to subscribe to Unacademy, you can use my promo code RuchinLive to get 10% instant discount on every course. Aap kisi bhi course ke liye jayenge to you can use my coupon code RuchinLive, you will get a 10% instant discount. And please subscribe to Unacademy. Agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya to you hit the bell icon and subscribe to Unacademy, and please like and share this video. हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स को बहुत नीड हो जहाँ पे एजुकेशन इज अ बिट प्रॉब्लम. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उन लोगों तक, उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सकूँ जिन लोगों को एजुकेशन आगे कैरी फॉरवर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम है. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी. दिस इज रुचिन तेजावत साइनिंग ऑफ फॉर दिस डे. तो हम लोग मिलेंगे कल. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.